नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। महिला के करंट लगने से मोहल्ले वासियों ने विद्युत विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। थाना क्षेत्र गजरौला शहर के मोहल्ला सुल्तान नगर में रास्ते में जा रही महिला के ऊपर बिजली का जर्जर केबल टूट कर गिर गया, जिससे महिला के साथ घटना होने से बाल बाल बची। 2 महीने पहले भी महिला को करंट लगा था, जिसकी शिकायत करने पर भी विभाग में कोई सुनवाई नहीं की गई। कार्रवाई ना होने की वजह से सुल्तान नगर वासियों ने विद्युत विभाग के खिलाफ हाय हाय किनारे भी लगाए। बता दें कि मामला जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र गजरौला के मोहल्ला सुल्तान नगर का है, जहां रास्ते में कूड़ा डालने जा रही महिला के ऊपर अचानक बिजली का जर्जर केबल टूट कर गिर गया, जिस कारण महिला के साथ अनहोनी होने से बाल बाल बची। महिला ने बताया कि अगर तार कूड़े के छबड़े में उलझकर नहीं टूटता तो महिला के साथ हुई घटना गंभीर रूप ले सकती थी। इसके साथ महिला ने बताया कि उसके साथ 2 महीने पहले भी करंट लगने की घटना घट चुकी है। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहल्ला सुल्तान नगर में पिछले गत वर्षों में पोल तो गढ़े गए, लेकिन उन पर विद्युत विभाग द्वारा लाइन अभी तक नहीं खींची गई। इसकी शिकायत सुल्तान नगर वासियों ने अपने वार्ड मेंबर के साथ विद्युत विभाग में की थी, लेकिन विभाग द्वारा उनकी शिकायत पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। 15-16 साल हो गए अभी तक इसमें कोई तार नहीं खींचा है। अच्छा। और यह कई दिनों को करंट लग चुका है। जगह एक दो बार मतलब चार्ट बेचने वाले आते थे, मतलब छतरी लगा रखी थी, उसे बेचारे को बहुत तबीयत से मतलब चोट लगा था। वोट के समय आते हाथ जोड़ते हैं, चौदह 15 साल हो गए हैं, बार बार मेंबर बनते भी हैं और जी मेंबर कहते हैं और जी दो बार एप्लीकेशन हमने विधायक जी की भी दे दी है और यहाँ तीसरे दिन जो है कभी तसल लेकर लेट जाती हैं, जैसे कूड़ा गिरने तो उसका जो है करंट वरंट लग जाता है। अभी एक हफ्ते पहले केबल नीचे पड़े थे, मैं लकड़ी लेना गई थी जिससे करंट लग गया था, गीली लकड़ी थी। गौरतलब है कि अगर किसी के साथ कोई गंभीर घटना घट जाती तो इसका जिम्मेदार बिजली विभाग होगा। सुल्तान नगर वासियों का कहना है कि वो मोहल्ले से ही चंदा इकट्ठा कर बिजली का केबल लाकर लकड़ी की बल्लियों पर बांधकर अपने घरों की बिजली जलाते हैं, और जब वो बिजली के केबल पुराने होकर जर्जर रूप ले लेते हैं तो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए गजरौला से कविंदर सिंह की रिपोर्ट।